हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ज्वेलरी स्कूल। तो आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगी एक मल्टी कलर का चोकर सेट। अभी शादियों का सीज़न है तो हैवी ड्रेसअप के साथ चोकर सेट बहुत अच्छे लगते हैं। चोकर एक ऐसा ज्वेलरी पीस होता है जिसे आप लहंगा, साड़ी, सूट किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं। अब ये तीन कलर के बीड्स में बनेगा और इसका पेंडेंट भी मल्टी कलर है, तो इसे आप कई तरह की ड्रेसेस के साथ मैच कर सकते हैं। आप चाहें तो ये तीनों बीड सेम कलर के भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मुझे जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो आपने देख ही लिया है स्क्रीन पे, तो चलिए से बनाते हैं। सबसे पहले निडल और थ्रेड लेके मैंने एक कनेक्टर से अटैच कर लिया है फर्स्ट थ्रेड, और अब इसमें इंसर्ट कर रही हूँ मैं। मेरे पास ये मैरून कलर के बीड्स हैं। अब इस मैरून कलर की बीड्स की मैं हाफ लेयर रेडी करूँगी, और हाफ लेयर रेडी करने के बाद मैं इसके मिड में ये पेंडेंट अटैच करूँगी। पहले मैं हाफ पोर्शन तैयार करूँगी इसका, ये मिड में इस तरीके से इंसर्ट करके, और फिर उसके बाद मैं सेकंड हाफ पोर्शन तैयार करूँगी। तो हाफ पोर्शन मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगी। तो ठीक है, ये अटैच हो गया है इसके साथ। अब इसी को यहीं से घुमाते हुए हम फिर से एक और लेयर इस तरीके से बनाएंगे सेम कलर में, और ये दो लेयर रेडी होने के बाद हम इसमें ये क्रीम बीड्स और एक स्काई ब्लू कलर मैंने यूज़ किया है, ये तीनों बीड्स की जो मालाएं हैं इस तरीके से हम रेडी करेंगे कनेक्टर में अटैच करते हुए। अब इस कनेक्टर में अटैच करेंगे हम साथ ही डोरी। डोरी को मैं साथ में ही अटैच करूँगी क्योंकि इससे बहुत ईजी हो जाएगा इसको एडजस्ट करना। तो इस तरीके से मैंने ये निडल से इसी थ्रेड को आगे लाकर इसी में अटैच कर दी है डोरी, और यहीं से इसको अच्छे से टाई करके मैं वापस कनेक्टर में से इंसर्ट करते हुए निडल को ले जाऊंगी चोकर की साइड, और दूसरे कलर की लेयर्स भी तैयार करेंगे कुछ इस तरह। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना। साथ ही अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगी। देखिए, अब मैं इसकी फोर लेयर मैंने रेडी कर ली है। अब लास्ट में मेरे पास ये स्काई ब्लू है, तो स्काई ब्लू ये पेंडेंट में भी था इसीलिए मैंने इसमें स्काई ब्लू यूज़ किया है, और मैंने स्काई ब्लू थंबल भी यूज़ करूँगी इसे थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए। तो ये मैंने इसकी फाइव लेयर इस तरीके से रेडी कर ली है, पेंडेंट से काफ़ी मैच कर रही है। अब दूसरी साइड भी मैंने अगेन एक थ्रेड ले लिया और निडल से इंसर्ट करते हुए सेम वे जैसे हाफ पोर्शन ये तैयार हुआ था, मैं उस तरह का भी हाफ पोर्शन पांच लेयर तैयार कर लूँगी वन बाय वन। तो आप अगर ज्वेलरी के लिए ज्वेलरी में इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छा लगता है बनाना, तो हमारे ट्यूटोरियल को फॉलो करें और ख़ुद घर बैठे बनाना सीख सकते हैं। अब मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट्स किया था कि मैम पार्टी वेयर ज्वेलरी ज़्यादा बनाया करें, तो नेहा जी आपके लिए स्पेशल है ये। देखो मैंने चोकर सेट बनाया है, ये काफ़ी हैवी लुक देगा और ब्राइडल पर भी बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी पार्टी में पहनेंगे तो आपकी लुक में ये बहुत चार चांद लगा देगा। आप चाहे तो ये पांचों लेयर सेम कलर के बीड्स की भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी एक अलग ही लुक आएगा। तो देखिए, अब ये दूसरा पोर्शन भी मैंने रेडी कर लिया है और इसे भी मैं डोरी के दूसरे कॉर्नर के साथ अटैच कर दूंगी। अब मैं ये और देखिए रेडी हो गया है कुछ इस तरह। अब इसके पेंडेंट को थोड़ा एनहांस करने के लिए मैंने थंबल यूज करे हैं स्काई ब्लू कलर के, मैंने और इनको वन बाय वन मैंने एक फ्यूज वायर की हेल्प से अटैच कर दिए कुछ इस तरीके से। और देखिए रेडी हो गया मेरा ब्यूटीफुल सा ये चोकर सेट। कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ के मैचिंग इयररिंग प्रिपेयर करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैम हमें इयररिंग का वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसका ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आज के लिए इतना ही।